नमस्कार, मैं परविंद कुमार वर्मा एक बार पुनः आप लोगों के बीच बीएड स्पेशल एजुकेशन के एक शीर्ष क्रम का जो पाठ्यक्रम है 06, मैं उस प्रकरण पर आज पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। आज जो हम लोग बातचीत करने वाले हैं उसमें हम जो पिछला वीडियो लेक्चर हम लोगों ने देखा था उसी का कंटिन्यूएशन में है कि हम जो बीएड एसई 06 का जो पेपर है टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट उसके हम सेकेंड यूनिट की हम बात करने जा रहे हैं कि उस सेकेंड यूनिट में हम क्या सीख पाएंगे। उसके पहले हम बता दें कि इस पेपर को पूरा करने के बाद आप जिस आउटकम की तरफ बढ़ेंगे वो स्क्रीन के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसी को हम लोग फुलफिल करने के लिए वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं। जो आज हमारी बातचीत का जो क्रम है कि हम लर्निंग किसको बोलेंगे, जैसे हम पिछली कक्षा में हमने लर्निंग पढ़ा था, अब लर्निंग पर बहुत लोगों ने थ्योरी दिया है कि इस सिद्धांत जिसको कह सकते हैं कि सिद्धांत दिया कि वो सिद्धांत किस प्रकार के हों और उन सिद्धांतों का कैसे अनुपालन होता है। इसी एक क्रम में जब हम इसको बांट करके देखने का प्रयास करें तो एक मनोवैज्ञानिक है थर्नडाइक, उन्होंने सीखने के त्रुटि एवं भूल का सिद्धांत दिया जिसको ट्रायल एंड ईरर थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जो एक संबंधवाद के भी रूप में जाना जाता है। इसके कई फेज हैं लेकिन थोड़ा सा हम थर्नडाइक के बारे में जान लें कि ये एक मनोवैज्ञानिक के रूप में तो प्रचलित हैं ही, साथ ही इन्होंने जो अपना पीएचडी कार्य किया था एनिमल इंटेलिजेंस, उसी थेसिस को आधार बना करके आपने एक थ्योरी को डेवलप किया जो कि सीखने पर आधारित है। वो थ्योरी कैसे डेवलप हुआ, किस प्रकार से डेवलप हुआ, उस पर बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने उनका सपोर्ट भी किया उनके इस थ्योरी का। उस दौर में 1930 के अगर आसपास की मैं बात करूँ तो उस दौर में इस थ्योरी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। एक मनोवैज्ञानिक है टालमैन, उन्होंने ये कह दिया कि आपकी जो थर्नडाइक की जो थ्योरी है वो अन्य थ्योरियों के लिए आधार का काम करेगी। तो अगर उसकी गहराई को हम समझें, उसकी गहराई को समझने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से हम आप स्वयं कह पाएंगे कि अगर ये थ्योरी है तो इसी थ्योरी को आधार बना करके तमाम थ्योरियां बनी हुई हैं। उन थ्योरियों को अगर हम थोड़ा सा लाइट वेट में देखें तो हम ये समझ पाते हैं कि कैसे इन थ्योरियों का डेवलपमेंट हुआ। अगर मैं लर्निंग थ्योरी की बात करूँ तो आप देख पा रहे हो कि लर्निंग थ्योरी में एक होता है व्यवहारवादी, एक होता है संज्ञानवादी। तो जो थर्नडाइक है वो व्यवहारवादी के, अब व्यवहारवादी भी दो भागों में बढ़ गए, एक हो गया क्लासिकल कंडीशनिंग, एक हो गया ऑपरेट कंडीशनिंग। तो जो थर्नडाइक है वो क्लासिकल कंडीशनिंग के हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में जो इन्होंने अपनी बात रखने का प्रयास किया वो उसके माध्यम से आपने जो अधिगम का जो सीखने का जो सिद्धांत डेवलप किया उसके पहले उन्होंने बताया कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके जो मुख्य कार्य हैं उसमें आपका एक होता है रेडीनेस, एक होता है इफेक्टिवनेस और एक होता है एक्सरसाइज। तो मतलब मुख्य रूप से आप इन तीनों पे ही कार्य करते हैं। अगर इन तीनों में अगर आपकी सक्रियता दिख रही है तो आपकी लर्निंग बेहतर होगी। अगर सक्रियता नहीं दिख रही है तो वो लर्निंग तो होगा लेकिन जिस आउटकम के आधार पर हम ये लर्निंग चाहते हैं शायद वो नहीं हो पाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए थर्नडाइक ने जो इस पर अपना विचार दिया कि हम किसको क्या बोलें, रेडीनेस से क्या मतलब है। जैसे अगर मैं आप एज ए शिक्षक के रूप में, एज ए गार्जियन के रूप में, एज ए पेरेंट्स के रूप में आप देख रहे हैं कि किसी भी चीज़ को सीखने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से, एक ऐसा हो सकता है कि आप तत्पर हैं सीखने के लिए और एक आपको दबाव में सिखाया जाए। तो जिसमें आप रेडी रहते हैं, जिसमें आप तैयार बैठे हैं कि नहीं मुझे इस कार्य को सीख लेना है, तो उसमें आपकी सक्रियता, आपका कॉन्शियसनेस, उसमें आपकी जो आपके जो अंदर ऊर्जा रहती है, जो प्रेरणा रहती है वो अलग होती है। एक जो दबाव में आप सीखते हैं उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी ऊर्जा वो अलग होती है। तो इन दोनों के बीच में थर्नडाइक ने पहला बताया कि अगर आप कोई भी चीज़ सीखने का प्रयास करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको तत्पर होना चाहिए और तत्परता में वही आपके सिद्धांत को तय करता है कि आपके सीखने की क्षमता किस प्रकार की होगी। वो तत्परता ही आपके सीखने को निर्धारित करती है। तो जब हम आगे देखते हैं कि कैसे, जब हम किसी चीज़ को सीख तो लिए, अब कोई भी चीज़ आप सीख लिए, अब उसको आप छोड़ देंगे तो क्या वो उसी रूप में उसी तरीके से बना रहेगा, ये संभव नहीं है।
हो सकता है बना भी रहे, लेकिन जिस तत्परता से आपने किसी चीज को सीखा था वही तत्परता से उसको आप संज्ञान में ले पाए, ये थोड़ी चुनौती रहेगी। उसी चुनौती को दूर करने के लिए थंडाइक ने पुनः बताया कि आप जब सीखने के सिद्धांत में एक तो आप तैयार हो गए, दूसरा आप उसको एक्सरसाइज करना है। अगर किसी चीज का एक्सरसाइज आप करते रहेंगे तो आपको उसको संज्ञान करने में, उसको स्मरण करने में, उसका उपयोग करने में आपको आसानी होगी। अगर आप उसका उपयोग छोड़ देंगे तो शायद हो सकता है कि आपको रिकॉल करने में, आपको अपने संज्ञान में लाने में थोड़ी चुनौती का सामना करना पड़े। क्योंकि इस पर विवाद बहुत है, इस पर बहुत लोगों ने आलोचना भी किया कि क्या किसी चीज़ का एक्सरसाइज करते रहना ही उसके स्थिरता का प्रमाण है, या हम कोई चीज़ सीख लिए वो स्थिर हो गया। एक अपने आप में उलझन की गुत्थी है जिस पर आप शोध पत्रों को जब आप पढ़ेंगे, चाहे अन्य किताबों का आप अध्ययन करेंगे, तो आप तमाम तरीके के विचारों को भी जान पाएंगे। क्योंकि समय का अभाव है और समय के एक समय सीमा के अंतर्गत अपनी बात को रखना है, तो हम लोग ऐसे निरंतर वार्तालाप के अनुक्रम में ये देखने का प्रयास करते हैं कि जो सिद्धांत थंडाइक ने दिया है उसमें उन्होंने बताया कि आप एक्सरसाइज के माध्यम से अपने जो सीखने की क्षमता है उसको आप बेहतर बना सकते हैं, लेकिन आपकी ये तत्परता ही निर्भर करेगी कि आप एक्सरसाइज कितना करेंगे। जैसे एक छोटे उदाहरण से मैं समझूं कि अगर आपके क्लास का बच्चा कोई भी एक लेसन आपने पढ़ाया और पढ़ा करके छोड़ दीजिए, उसका असेसमेंट मत करिए, या फिर उस बच्चे को कहिए कि आप अब इसको दोहराना भी बंद कर दीजिए, तो एक समय ऐसा आएगा कि बच्चा उसके बारे में उतनी चीज़ें याद नहीं रखेगा जितनी आपने आउटकम के लिए पढ़ाया था। तो उस आउटकम को पुनः अपने स्थापित करने के लिए वो कहते हैं कि इसका बार बार एक्सरसाइज करना चाहिए। किसी भी वस्तु का आप जब बार बार एक्सरसाइज करेंगे तो आप में स्थिरता का भाव आएगा, वही स्थिरता आपके सीखने को प्रमाणित करता है कि अब आपकी जो सीखने की क्षमता है, चाहे जो चीज़ आपने सीखा है वो अब स्थिर रहेगा। इसी स्थिरता को और आगे बढ़ाते हुए इन्होंने बताया कि कोई भी चीज़ हम सीखते कैसे हैं, जब उसका हम प्रभाव मुझे मिले। प्रभाव का मतलब कि कोई भी चीज़ हम सीखें अगर उसका आउटकम हमें तत्काल मिल जाए तो हम उस कार्य को और करने के लिए प्रेरित होते हैं। जैसे इन्होंने बताने का प्रयास किया प्रभाव में कि अगर छोटा बच्चा है, कोई अतिथि आया घर में और अतिथि को जब उसने अभिवादन किया, प्रणाम नमस्ते जो भी, तो उसके एवज में जो अतिथि है उसको अगर शाबाश खुश रहो इस तरीके का अगर प्रतिक्रिया मिल जाता है तो शायद उस बच्चे के व्यवहार में स्थायी रूप से घर कर लेता है कि अब कोई भी अजनबी या कोई भी अतिथि हमारे पास आएगा तो उसे हमें प्रणाम करना है। तो उसके बाद जो उसको आउटकम मिलता है, जो शाबाशी मिलती है, उसके सीखने की क्षमता को स्थिर कर देता है। तो थंडाइक ने यही बताया कि कोई भी वस्तु, चाहे कोई भी ज्ञान, चाहे किसी प्रकार का पकड़, चाहे कोई शीर्षक, हम तभी सीखते हैं या फिर सीखने का प्रयास करते हैं जब उसका हमें आउटकम मिले। अगर आउटकम नहीं मिलेगा तो हम शायद उसमें सीखने के लिए तत्पर नहीं हो पाएंगे। और एक चीज़ और बताएं कि जैसे किसी भी चीज़ का अगर आप पर प्रभाव पड़ेगा तो आप सीखने के लिए तत्पर होंगे। बिना आउटकम का आप कोई भी कार्य करने की कोशिश करेंगे तो कार्य होगा, लेकिन जिस उम्मीद और जिस आशा से आप करते हैं शायद वो ऊर्जा उसमें न दिखे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए थंडाइक ने कहा कि नहीं, आप जो किसी भी चीज़ को सीखेंगे तो आप में ये तीन चीज़ मुख्य रूप से होना चाहिए। इसी तीन चीज़ को मुख्य मानते हुए थंडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उस सिद्धांत के प्रतिपादन में उन्होंने बहुत सारे जानवरों पर, तमाम चूहा, बिल्ली, कुत्ता, सब पे आपने एक्सरसाइज किया, एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उन्होंने जो अपना आउटकम दिया है, चूँकि एनिमल इंटेलिजेंस के रूप में उन्होंने जो थेसिस अपना लिखा था उसी थेसिस के ही आधार पर आपने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन उस सिद्धांत के प्रतिपादन में आपने ये जरूर बता दिया है कि ये जो सिद्धांत है उपयोग किस पे हुए हैं, जानवरों पर, अप्लाई किस पे हो रहे हैं, मनुष्य पर। तो दोनों में हो सकता है अंतर आ जाए, लेकिन उस अंतर को आप केवल उसी को फैक्ट मान लें कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए तो ये संभव नहीं है। उसके बाद तमाम थ्योरियाँ आ चुकी हैं जो अगली बार हम लोग इस पर डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे कि अगला थ्योरी इसके एवज में क्या कहता है। तो जब हम जितनी इसके गुत्थी को खोलते जाएंगे, जैसे थ्योरी एक तरीके का प्याज, अब प्याज के जितने परत उतारते जाएंगे एक एक परत आपको नई दिखती जाएगी। तो उसी एक नई चीज़ को कुछ तो नया होगा, उसमें कुछ पॉइंट्स नए होंगे, कुछ एक्टिविटी अलग होगी, कुछ तरीके का विचार अलग होगा, लेकिन थ्योरी का मेन कंसेप्ट होगा लर्निंग। अब लर्निंग किस प्रकार से बेहतर हो, किस तरीके से बेहतर हो, इस पर ज़्यादा फोकस हमें करना है। जब थंडाइक ने ये बता दिया कि नहीं हमारा इफेक्ट ही सबसे बेहतर है, तो ये तीनों चीज़ को जब अगर हम इनके सिद्धांत के बारे में बात करें तो इसका उन्होंने प्रयोग कैसे किया, तो प्रयोग करने के लिए इन्होंने क्या किया कि
एक बिल्ली को, जो भूखी बिल्ली है, उसको एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया और पजल बॉक्स में बंद करके उसके सामने भोजन रख दिए। अब जब बिल्ली भूखी है, उसके सामने भोजन रखा हुआ है, तो अब वो क्या करेगी, अब वो उछल कूद करने लगी। खूब उछल कूद करते 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 अंततः उसमें एक खटका लगा था और उसका हाथ पैर जो भी रहा हो उस खटके पर लगता है और दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे दरवाज़ा खुलता है, बिल्ली जाके भोजन करके अपना तृप्त हो जाती है। पुनः उस बिल्ली को फिर उसमें बंद किया जाता है और उसके बाद जब भूख उसको लगता है तो फिर भोजन बाहर रख दिया जाता है। फिर बिल्ली उसी तरह उछल कूद करते करते कर खटका दबता है और फिर खुलता है और फिर वो जाके अपना भोजन कर लेती है। ये प्रक्रिया कई बार दोहराई गई, लेकिन दोहराने में जो बिल्ली के उछल कूद की जो मात्रा थी, वो पहले स्टेप से लेकर के अंतिम स्टेप में उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होती गई। और एक समय ऐसा आया कि जैसे ही बिल्ली को भूखा करके उसके पिंजड़े में बंद किया जाता था, बिल्ली खटका दबा करके तुरंत जाके भोजन कर लेती थी। तो इसमें थॉर्नडाइक ने यह बताने का प्रयास किया कि आप किसी भी चीज को ट्रायल और एरर, प्रयास और भूल के माध्यम से ही सीख पाएंगे। जब इस माध्यम से आप सीखते हैं तो आप कोई भी वस्तु सीख, कोई भी चीज़ सीखने का प्रयास करेंगे तो आप बार बार उसमें त्रुटि भूल करते रहेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप उसमें पारंगत हो जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन, मतलब आपका अभ्यास ही व्यक्ति को पूर्णता प्रदान करती है। तो इसी आधार पर थॉर्नडाइक ने बताया कि एक समय ऐसा आया कि बिल्ली जैसे ही भोजन रखा जाता था, खटका दबाती थी और भोजन प्राप्त कर लेती थी। इसी क्रम में आपने लर्निंग थ्योरी में बताया कि अगर किसी बच्चे को कोई भी लर्निंग आपको सिखानी है तो त्रुटि और भूल करेगा, लेकिन उसमें अगर आप रिइंफोर्समेंट चाहे उसके एवज में कुछ आप रिस्पांस अगर आप देते हैं तो शायद उसके सीखने की जो प्रक्रिया है वो बेहतर हो जाएगी और वही सीखने की प्रक्रिया है उसको स्थायित्व प्रदान करेगी। तो इसी थ्योरी के अनुक्रम में आपने जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का मेन मोटो यही था कि हम सीखने के लिए किस प्रकार से तत्पर हों। तो उन्होंने तीन नियम बताए थे और उस तीन नियम को पालन करते हुए आपने जो थ्योरी बनाया, एक बिल्ली पर आपने प्रयोग किया था, उस बिल्ली के प्रयोग को मनुष्य को सिखाने में प्रयोग करना है, इस अनुक्रम में आपने इस प्रकरण पर विचार डाला और इस प्रकरण पर बताने का प्रयास किया कि अपनी की जो लर्निंग है वो किस दिशा में और कैसे प्रक्रिया में रहती है और उस प्रक्रिया को हम कैसे मानते हैं और उस प्रक्रिया को हमें कैसे संचालित करना चाहिए। क्योंकि जब हम उस थ्योरी को लेकर के क्लासरूम में जाते हैं, एज ए टीचर मैं अगर बात करूं तो उस जब क्लासरूम में जाते हैं तो हमारे जेहन में बना रहता है कि बिल्ली खटका खोल करके भोजन तो प्राप्त कर ले। क्या सभी बच्चों के लिए ये थ्योरी लागू हो सकता है? तो आप किसी एक पर ही लागू कर पाएंगे या बारी बारी सब पे लागू कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको रिस्पांस की जरूरत नहीं पड़ेगी, हो सकता है वो पहले से तैयार बैठा हो। भाई आज के दौर में हर बच्चा हर तरीके से एक्टिव है, सारी सूचनाएं उसको मिल रही हैं, हर तरीके के गुण उसको मिल रहे हैं, हर तरीके की एक्टिविटी से वो अवगत हो रहा है। तो हम उस अवगत की स्थिति में अपनी चीज़ को कैसे फॉलो करें, तो हमें क्लासरूम में इन चीज़ों को ले जाने से पहले इस क्लासरूम की क्षमता, रुचि और उनके उत्सुकता को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे बच्चा सीखने के लिए तत्पर है और किसी चीज़ को जब सीखता है तो उसकी एक्सरसाइज और उसके प्रभाव किस प्रकार से बच्चे को पढ़ रहे हैं और बच्चा किस प्रकार से आपको रिस्पांस दे रहा है, वो डिपेंड करता है कि कोई भी चीज़ आप कैसी प्रकरण को कैसे बच्चे को सिखाएंगे। उसी सीखने का ही आधार थॉर्नडाइक ने अपने थ्योरी के माध्यम से दिया जो हम इस क्लासरूम में सीखने का प्रयास किए। क्योंकि समय और थ्योरी दोनों की अगर गहराई को हम देखने का प्रयास करें तो शायद हम ये समझ पाएंगे कि जो थॉर्नडाइक ने थ्योरी दिया है, आप इसको और गहराई से पढ़ने का प्रयास करिएगा और जो भी चीज़ें छूटेंगी चाहे जो भी चीज़ें आपके मन में उत्सुकता आएंगी तो ज़रूर हम वीडियो के माध्यम से ही बातचीत कर लेंगे, चाहे कमेंट बॉक्स में आप अगर कोई विचार अपने प्रस्तुत करेंगे तो उसी को लेकर के पुनः हम आपके बीच उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये लर्निंग थ्योरी है, तमाम लर्निंग थ्योरियाँ हैं, तो थोड़े थोड़े अनुक्रम में हम बारी बारी करके एक एक थ्योरी को हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि बहुत व्यापकता से नहीं लेकिन सूक्ष्मता से ही आपके पास में इस थ्योरी को प्रस्तुत करने का प्रयास किया और उस अनुक्रम में मुझे आशा है कि आपको जरूर कुछ सीखने का मिला होगा। अगर नहीं कुछ आया होगा, चाहे कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिएगा और उसी आधार पर हम पुनः आपके बीच उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।